हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। सो एटमॉस्फेयर होता क्या है? अ मिक्सचर ऑफ अ लेयर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं, उनकी लेयर्स, वो मिक्स होके क्या बनाती हैं एटमॉस्फेयर। तो कहीं भी एटमॉस्फेयर है मतलब लेयर ऑफ गैसेस की बात हो रही है। गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बनाती हैं। दिस लेयर एनवेलप्स द अर्थ हेल्ड टू इट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ये लेयर होती है गैसेस की, ये अर्थ के आसपास होती है, ठीक है। अर्थ में, अर्थ को एक तरह से ढक के रखती है, अर्थ को एक तरह से कवर करके रखती है। और ये अर्थ के आसपास कैसे रहता है? अब जैसे आप अपने आसपास देखें, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, बट हवा जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। तभी तो आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये जो लेयर है गैसेस की, ये अर्थ के पास में क्यों रहती है, कैसे रहती है? क्योंकि अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ह्यूमंस पे या जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर तो अप्लाई होती होती है, लेकिन जो गैसेज हैं उन पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो जितनी भी गैसेज हैं ये अर्थ के आसपास रहती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल द एटमॉस्फेयर लाइज विद इन 29 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सर्फिस। मान लीजिए ये जो कागज़ है ये आपका अर्थ है, इससे अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे ना तो 29 किलोमीटर तक के दायरे में आपको 97% एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। 97% ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स कि मोस्ट ऑफ द गैसेज जो है 29 किलोमीटर के दायरे में ही होती हैं, ठीक है। बियॉन्ड अबाउट 100 किलोमीटर्स लाइटेस्ट गैसेज सेपरेट आउट। जब आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको अर्थ माने और आप यहाँ से 100 किलोमीटर तक जाएँ, तो 100 किलोमीटर तक पहुँचने के बाद क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, जो लाइट गैसेज हैं वो अलग अलग होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे 100 से 200 किलोमीटर के बीच में आपको नाइट्रोजन गैस ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑक्सीजन ही मिलेगी। 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में आपको हीलियम ही मिलेगी और 3500 किलोमीटर के बाद हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। अबव इट नो क्लियरली डिफाइंड लिमिट। 3500 किलोमीटर के बाद कहाँ पे है कि कोई और गैस जो है वो है, या फिर कोई आपके साथ बाउंड्री है, ऐसा कुछ पता नहीं है। कोई क्लियरली डिफाइंड लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एटमॉस्फेयर का बेसिक सा पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये बना किससे है, इसमें मैक्सिमम कौन सी गैस है? तो ये क्वेश्चन आता है, हमें लगता है हमेशा जिन्होंने पढ़ा नहीं होता कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है, जो दो तीन इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा तो है नाइट्रोजन, 78.09% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन जो कि है 20.95%। थर्ड नंबर पे आती है आर्गन जो कि है 0.93%। और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है 0.03%। ठीक है, ये तो हो गया कि एटमॉस्फेयर कौन कौन सी गैसेस से मिलकर बना है। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए, नोट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम पढ़ेंगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है। तो वो रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात की अभी कुछ गैसेस की, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, तो इनसे रिलेटेड एक दो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है, वैसे तो हम जो गैसेस है ना इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे वहाँ पे थे ना नोबल गैसेस, फिर की जो बल्ब है उसकी इसमें कौन सा होता है, ट्यूबलाइट में कौन सी होती है, बट यहाँ भी हम हल्का सा इसे कवर करेंगे। सो पहली है नाइट्रोजन। बायोटिक थिंग्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ना उन सबको नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए, बट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जितनी जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं ऑक्सीजन, सॉरी एयर से। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, तो वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं डायरेक्टली एयर से, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। सो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कुछ टर्म्स हैं वे ऑफ सप्लाइंग रिक्वायर्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन बायोटिक थिंग्स को सप्लाई करनी है तो उसके कुछ मेथड्स हैं, बट ये हम पढ़ेंगे अलग से। एनवायरनमेंट का पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड ऑल सल्फर साइकिल। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है? रेस्पिरेशन। हमारी सांस लेने में हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑब्लिगेटरी फॉर बर्निंग, अगर कहीं पे आग लगानी है, बर्निंग करनी है, दीप जलाना है आपको, तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। देखिए, घर पे आप दीप जलाइएगा जो हम पूजा के पास जलाते हैं, फिर उसके बाद उसको कवर कर देना है कॉली से, तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा कि ज्योत कई बार ऐसी होती है कि उसके ऊपर ढक्कन सा होता है लेकिन उसमें छेद छेद होते हैं, तो वो छेद क्यों होते हैं? ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाए। जो ज्योत होती है, जो ज्वाला होती है, आग होती है, फायर होती है, उसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है आर्गन, मेनली यूज इन लाइट बल्ब। जो लाइट बल्ब होते हैं उनमें यूज़ होती है आपकी आर्गन गैस।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रेफर मैं यही करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना सकते, आपके पास टाइम कंस्टेंट्स है, टाइम नहीं है, तो उस केस में अच्छा होगा कि आप नोट्स परचेज कर लें, साथ में वीडियोस देखें। आपको प्रॉपर एक पूरा कोर्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये कोशिश करती हूँ मैं कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, बाकी तो आप पे डिपेंड करते हैं। सो चलिए, फर्स्ट पेज हो गया हमारा कम्प्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए, हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो प्लांट्स यूज इट टू मेक ऑक्सीजन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं टू मेक ऑक्सीजन, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मेन गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बट डोंट वरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए, हमने गैसेस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो ये एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक है ये। बट देखिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, बट यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगी कि कहाँ पे क्या चलता है। देखिए, अर्थ के ऊपर आपको टोटल 5 लेयर्स मिलेंगी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। पहले नाम देख लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। जो आइनोस्फेयर है इसे ही थर्मोस्फेयर कहते हैं, एंड देन एक्सोस्फेयर। तो चलिए ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ओके। यहाँ पे क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा होगा। तो अब हम पहले जानेंगे ये वाली लाइन टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पे जैसे जैसे आप चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हाइट इंक्रीज करती है। तो आपने याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाले में क्या होगा, इंक्रीज होगा, उससे ऊपर वाले में डिक्रीज होगा, और उससे ऊपर वाले में फिर से इंक्रीज होगा, मतलब उल्टा उल्टा चलता रहेगा। यहाँ पे तो आपको चल गया पता है कि डिक्रीज कैसे हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। ये हो गया, जो भी वेदर फिनोमिनाज हैं, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, रेनफॉल जो भी है, क्लाउड्स हैं, वो सारे ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, विच इज सिचुएटेड इन नेपाल, ऑल्सो फॉल्स इन ट्रोपोस्फेयर लेयर, ठीक है। अब हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर, ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे पहले जो ओजोन लेयर कहाँ आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, ठीक है, उन्हें रोकती हैं, और कुछ पार्ट ही उसका अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है। अगर देखिए, जो सन से रेज आती हैं, अगर वो डायरेक्टली हम पे पड़ें तो हम तो पूरे जल जाएंगे, तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं कौन सी लेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे मिटियोराइट्स के बारे में, सो मिटियोस जो हैं वो आके मेसोस्फेयर में जल जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हैं। बट क्वेश्चन आए कि मिटियोर्स कहाँ पे आके बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो मेसोस्फेयर में हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं हम आइनोस्फेयर की तरफ। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, अर्थ से सिग्नल्स जाते हैं आइनोस्फेयर में। आइनोस्फेयर क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करता है वापस, और फिर हम जो है रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है अर्थ पे। जो आइनोस्फेयर है इसे ही थर्मोस्फेयर कहते हैं, और इसके ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है सच, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। तो देखिए, ये वाला डायग्राम तो आप ज़रूर बना लें, मैंने यहाँ पे थोड़ा खुला करके बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, कुछ दिखने में प्रॉब्लम ना हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड हमारा आज का टॉपिक तो देखिए इतना ही था, अब जो लेयर्स की डिस्क्रिप्शन बचती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं अपने चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट को थ्रू हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह से पढ़ने में आप बाकी प्लेलिस्ट भी मेरी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।